गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू को लेकर भी बयान दिया। गाजीपुर के अंधव हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्रजेश पाठक बलिया में गड़ा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जाने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में डेंगू के प्रकोप पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनलों पर ज्यादा दिख रहा है और विपक्ष इसका ज्यादा प्रचार कर रहा है। इस समय प्रदेश भर में डेंगू के 7,000 ही मरीज है। सरकार ने सभी मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। वहीं इस दौरान मंत्री ब्रजेश पाठक ने विधायक अब्बास अंसारी को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे हमारे विधायक नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन है, पब्लिक मीटिंग भी है और इसके अलावा बासडी में भी हम जाएंगे। वहाँ माननीय विधायक केतकी सिंह के यहाँ कार्यक्रम है और दोनों में जो है पब्लिक मीटिंग है, वहीं में जा रहा हूँ। सर, डेंगू का बहुत डेंगू को में डेंगू को आप लोग जितना टेलीविजन में देख रहे हैं, आप पिछले वर्ष के आंकड़े को अगर मिलान करोगे, पिछले वर्ष इस समय हमारे पास 18,000 मरीज थे, आज हमारे पास 7,000 मरीज हैं। डेंगू पूरी तरह से नियंत्रण में है, पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। मीडिया में विपक्षी दलों ने इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है जैसे पैनिक है, इससे जनता में दुख का माहौल है। कृपया ऐसा न करें और हर स्थिति में हमारे अस्पतालों में बेड्स हैं, दवाइयों का पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। सर, आपके एक विधायक अब्बास अंसारी को कल हिरासत में लिया है, वो हमारे परिजन।